गाइस वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। ईएसआईसी यूडीसी और एसएसओ का जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स है वो लाइन अप है, तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, तो साथ में आपको मैं बता रही हूँ कि मैं खुद प्रैक्टिस कैसी कर रही हूँ। तो आज हम सॉल्व करेंगे एमएस एक्सेल का क्वेश्चन जो कि है 20 मार्क्स का, ठीक है। तो इसको आपको ट्राई करना है कि आप वर्ड से पहले एक्सेल सॉल्व करो। तो ये मैं आज आपको एक बना के दिखा रही हूँ। आज हमने ये वाला डाटा क्रिएट करना है जो यहाँ पे मेंशन है, सारे फॉर्मूलाज बताऊंगी और साथ में जो फॉन्ट है वो कैलबरी यूज करेंगे और 12 पॉइंट्स हम यूज करेंगे। उसके बाद जो आपकी हेडिंग्स हैं वो बोल्ड होनी चाहिए, आप कैलकुलेशन करोगे अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स और लास्ट में आप इंसर्ट करोगे एक कॉलम चार्ट जो कि होगा 2D क्लस्टर कॉलम चार्ट, ठीक है। और सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करके करना है। उसके बाद जो साइज होगा शीट का दैट शुड बी A4, ओरिएंटेशन लैंडस्केप होनी चाहिए, मार्जिन्स नैरो होने चाहिए, ठीक है। आप फटाफट सबसे पहले क्या करूँ, मैं आपको ये सारा बता रही हूँ, आप ना पहले सारा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एक बार खुद ट्राई करो कि आपसे क्वेश्चन बन रहा है या नहीं बन रहा। एक इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जो बचे हुए पॉइंट्स हैं यहाँ का स्क्रीनशॉट ले लो। इसके बाद पहले खुद क्रिएट करो, अगर कुछ समझ नहीं आता तो मैं आपको साथ में अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं खुद कैसे कर रही हूँ। आई विल ट्राई कि ये मेरा 7 मिनट्स में अप्रॉक्सीमेटली बन जाए, तो आप भी ट्राई करना। अगर नहीं बन रहा तो आप आगे वीडियो चेकआउट कर सकते हो कि मैंने इसको 7 मिनट्स में कैसे बनाया है, ठीक है। अगर आपके कोई और डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। अभी हम स्टार्ट करते हैं ये एमएस एक्सेल का क्वेश्चन। हे गाइस, जैसे कि आपने देख ली है एक्सेल शीट, अभी मैं आपको बना के दिखाऊंगी जो मैंने आपको एक्सेल शीट दिखाई है उसको हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप आपने एक्सेल में भी यही करना है कि जितना भी टाइपिंग वर्क है, टाइपिंग वर्क को आप कोशिश करो कि आप पहले खत्म कर दो। तो पहले आप सारी टाइपिंग कर लो फटाफट, ठीक है। जो भी टाइपिंग मेंशन है वो टाइपिंग करके देन उसके बाद हम एडिटिंग करेंगे, जिससे हमारा जो टाइम है वो सेव हो जाएगा, ठीक है। तो पहले आपको सारी की सारी टाइपिंग वर्क को खत्म कर देना है। एंड इसमें आपको ये की सजेशन मैं दे सकती हूँ कि आप कैप्स लॉक की जगह शिफ्ट की यूज कर सकते हैं, जो फर्स्ट लेटर कैपिटल है उसको प्रेस करने के लिए, ठीक है। एंड आई वुड सजेस्ट कि आप जितनी मर्जी वीडियोस देख लें उससे आपका स्पीड इम्प्रोवाइज नहीं होगा, जो मैं बार बार आपको रिपीट पे बोलती हूँ। जब तक आप खुद फाइल्स को क्रिएट नहीं करोगे आपको स्पीड नहीं बनेगी एग्जाम में, ठीक है। जब तक आप खुद अपने एरर्स फाइंड आउट करके नहीं उसको प्रिव्यू करोगे तो वो कोई बेनिफिट नहीं देने वाला है आपको। चलो ये हमारा हो गया। उसके बाद हमने निकालना है सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस। सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, ठीक है। उसके बाद हमारा है परसेंटेज ऑफ सरप्लस ओवर इनकम एंड लास्ट। इसको एडिट वगैरह बाद में करना, आप नेक्स्ट कॉलम में सीधा टाइपिंग स्टार्ट कर दो, क्योंकि वरना आपका ना उससे टाइम वेस्ट होगा। जो आप टाइप कर रहे हो वो जा तो रहा ही है ना, अगर आप उसको सेट करने लगे, क्योंकि बाद में तो हमें प्रॉपरली सेटअप करना ही है। ओवर एक्सपेंस, ठीक है। अभी हमारा सारा टाइपिंग वर्क डन है। अब आप चेक करो कि यहाँ पे क्या हुई हुई है, वर्ड रैपिंग हुई हुई है। तो इन तीनों को सिलेक्ट करो, यहाँ पे ऑप्शन है रैप टेक्स्ट का, ये होगी आपकी रैपिंग। उसके बाद अलाइनमेंट आप बाद में करना, पहले कैलकुलेशंस करना। जैसे अभी पूछा है सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस, इनकम कितनी ज्यादा है एक्सपेंसेस से, तो इज इक्वल टू का साइन इनकम माइनस एक्सपेंसेस। तो हमारा जो इनकम माइनस एक्सपेंसेस हमारा एंटरप्राइज करके हमारा सरप्लस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंसेस आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमने सरप्लस निकाल दिया सारा का सारा। एंड नेक्स्ट पूछा है परसेंटेज ऑफ सरप्लस ओवर इनकम, तो इज इक्वल टू का साइन सरप्लस हमारा ये है, इसके बाद डिवाइड करेंगे हमारी इनकम के साथ और इनटू करेंगे हम 100, तो ये हमारी परसेंटेज आ जाएगी। उसके बाद यहाँ से पकड़ के जब ये वाला साइन आ जाए इसको ड्रैग कर देना है हमें। नेक्स्ट इज इक्वल टू सरप्लस ओवर हमारा एक्सपेंसेस पूछा है, इसके बाद इनटू 100 विद एंटर, तो ये आपका गया ये वाला सरप्लस, ठीक है। ये अभी हमारे सारा जो फाइल है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, सारा डाटा को सिलेक्ट करके हमें 2 डेसिमल पॉइंट्स तक ही चाहिए होता है, तो यहाँ पे हम कर सकते हैं अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स। जैसे ये हमारा हो गया अप टू 2 डेसिमल पॉइंट्स एंड ये वाला भी हमें 2 डेसिमल पॉइंट्स, ठीक है। अब हम करेंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा जो यूनिट इनकम और एक्सपेंसेस है, ये जो जितना भी ऊपर वाला कंटेंट है ये सेंटर में अलाइंड है,
और साथ में ही ये नीचे को नहीं है, सेंटर में है, तो यहाँ से भी हम सेंटर वाला कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो ये है परसेंटेज ऑफ सरप्लस ओवर इनकम, तो ओवर तक एक लाइन में आ रहा है, तो इसको भी हम एक्सपैंड कर देंगे, और नेक्स्ट में परसेंटेज ऑफ सरप्लस ओवर एक्सपेंसेस वाला भी ओवर तक एक लाइन में आ रहा है, वो भी हमारा हो गया। उसके बाद जो इनकम और एक्सपेंसेस वाला कॉलम और यूनिट वाला कॉलम है, वो थोड़ा सा वाइड दिख रहा है हमें सैंपल शीट में, तो इसको क्या कर देंगे, फटाफट से थोड़ा सा वाइड कर देंगे। नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो ये वाला टेक्स्ट है नंबर्स, ये सारे आपको सेंटर अलाइनमेंट दिख रही है, तो इन सबको सेंटरली अलाइन कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि जो फॉन्ट है दैट शुड बी कैलबरी, और जो फॉन्ट का साइज है दैट शुड बी 12 पॉइंट्स, तो कैलबरी बाय डिफॉल्ट है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे सिर्फ पॉइंट्स को 12 कर देंगे, तो हमारा 12 पॉइंट्स हो गया। नेक्स्ट इन्होंने बोला है कि जो हेडिंग्स हैं, हेडिंग्स को हमने क्या करना है, बोल्ड करना है, तो मैंने यहाँ पे हेडिंग्स को भी बोल्ड कर दिया। और साथ में इन्होंने बोला है कि हमें 2D क्लस्टर कॉलम चार्ट इंसर्ट करना है, तो हम इंसर्ट पे जाके यहाँ पे कॉलम चार्ट पे जाएंगे, 2D कॉलम चार्ट आ जाएगा, क्लस्टर कॉलम आ जाएगा, जो इन्होंने बोला है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देंगे चार्ट को, सॉरी देखो यहाँ पे ये गलती नहीं करनी, पहले आपको डाटा को सिलेक्ट करना है, देन इंसर्ट पे जाके कॉलम चार्ट पे जाके इसको 2D कॉलम चार्ट को इंसर्ट करना है, ठीक है। अभी जो हमारी मेन, इसको बाद चार्ट को आप इधर कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा चार्ट क्या हो गया, इंसर्ट हो गया। नेक्स्ट हमें जो मेन चीजें अभी करनी है वो क्या है, देखो इन्होंने स्पेशली मेंशन किया है कि हमें जो पेज है, हम पेज लेआउट पे जाएंगे, जो पेज का जो हमारा प्रीव्यू है, व्यू पे जाके जो पेज का प्रीव्यू है, दैट शुड बी हमारी, एक तो ग्रिड लाइंस ऑन होनी चाहिए, ग्रिड लाइंस देखो आप यहाँ पे ऑन है। उसके बाद इन्होंने बोला है आउटसाइड बॉर्डर, ये जो डाटा है इसके आउटसाइड में बॉर्डर होना चाहिए, तो सारे डाटा को सिलेक्ट करके हम होम पे जाएंगे, यहाँ पे हम जाएंगे ऑल बॉर्डर पे, तो हमने सारा आउटसाइड बॉर्डर कर दिया, बोल्ड कर दिया, उसके बाद ग्रिड लाइंस कर दी, आउटसाइड बॉर्डर कर दिया। उसके बाद इन्होंने बोला है कि जो शीट है, पेज लेआउट पे जाएंगे, तो देखो अभी हमने यहाँ पे देखो ग्रिड लाइंस सबसे पहले देखना है, जो ग्रिड लाइंस है वो यहाँ पे ऑन है। उसके अलावा हम पेज लेआउट पे जाएंगे, जो मार्जिन है हमने मार्जिन को नैरो रखना है, ओरिएंटेशन को हमने क्या करना है, लैंडस्केप करना है, और जो साइज है वो हमें करना है A4 साइज करना है। तो हमारा जो कंप्लीट टास्क है वो कंप्लीट हो चुका है, जस्ट आप अभी कंट्रोल प्लस प्री प्रेस करके जो प्रिंट प्रीव्यू है वो चेकआउट कर सकते हैं कि लैंडस्केप व्यू में आपको जो पूरा डाटा है वो प्रॉपरली आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है। देख लो यहाँ पे लैंडस्केप ओरिएंटेशन A4 साइज, ये सब कुछ नॉर्मल मार्जिन, यहाँ पे इन्होंने कौन से मार्जिन खोले हैं, नैरो, तो हमें एक बार दोबारा यहाँ पे चेक करके मार्जिन को क्या करना है, नैरो करना है। तो अभी हम कंट्रोल प्लस प्री प्रेस करेंगे, तो हमारे पास प्रॉपर आ रहा है नैरो मार्जिन A4 लैंडस्केप, तो प्रॉपर है हमारा डाटा, जैसे इन्होंने बताया था हमने वैसे ही जो डाटा है उसको क्रिएट कर दिया है, ठीक है। अगर आपके कोई डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।